उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में इस बार कांग्रेस दो सीटें समाजवादी पार्टी से चाह रही है, वो दो सीटें समाजवादी पार्टी उसे दे नहीं रही, और जो दो सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही हैं उनमें जीत की गारंटी कांग्रेस को नजर नहीं आ रही। इसी उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा कभी अपनी माँ सोनिया गांधी तो भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करती रही, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करती रही, लेकिन इस बार पहली बार खुद के लिए वोट मांग रही है, वायनाड से चुनाव वो लड़ रही है। और अगर प्रियंका वाड्रा इस बार चुनाव जीत जाती है तो उनकी मां सोनिया गांधी जो कि पहले से सांसद हैं, राहुल गांधी जो कि अमेठी से सांसद हैं, और प्रियंका खुद मिलकर तीन सदस्य गांधी परिवार के हो जाएंगे संसद के भीतर। इट इज नाउ 35 इयर्स आई हैव कैंपेन फॉर माय मदर, आई हैव कैंपेन फॉर माय ब्रदर, फॉर मेनी मेनी ऑफ माय कलीग्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कैंपेनिंग For your support for myself. 52 साल की प्रियंका गांधी 17 साल की उम्र से सियासत में प्रचार कर रही हैं। 35 साल के राजनीतिक सफर में पहली बार उम्मीदवार बनकर खुद उतरी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, फिर राहुल गांधी, वरुण गांधी, और अब वायनाड जीतने पर गांधी परिवार से प्रियंका संसद में नई सदस्य होंगी। जहां भाई राहुल के लिए रायबरेली में 9 दिन के भीतर 38 रैली, एक रोड शो करके जीत का रास्ता प्रियंका ने बनाया, वहां पूरा परिवार प्रियंका के नामांकन में वायनाड पहुंचा। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has two members of parliament. One is the official member of parliament, and the other is the unofficial member of parliament, and they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. वो सियासी सफर चल पड़ा है जो प्रियंका गांधी को लोकसभा तक पहुंचा सकता है, और ये वो घड़ी होगी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ लोअर हाउस में लोकसभा में मौजूद होंगे, तो देखना होगा तब क्या सियासी समीकरण होते हैं। लेकिन अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं और यहाँ पे पीछे पूरा मजमा चल रहा है, पूरा काफिला चल रहा है। वायनाड से प्रियंका के जीतने पर संसद में पहली बार माँ, बेटी और भाई एक साथ होंगे। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, यहाँ लोकसभा की सीटें 25 हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। प्रियंका वायनाड से जीती तो यहाँ केरल में 20 सीटें लोकसभा की। देखा जाए तो तीनों मिलकर तीन दिशा में देश की 125 सीटें कवर करते हैं। अभी तो उम्मीदवारी है न, तो उम्मीदवारी परिवार ही हुआ न, भाई हटे बहन आई, अब भाई बहन हटेंगे तो भांजा आएगा, इससे ज्यादा तो परिवार से बाहर की तो पार्टी ही नहीं है कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने जो हलफनामा दिया है वो बताता है 4,24,78,689 रुपए की चल संपत्ति है और 13,89,92,515 रुपए की अचल संपत्ति। 3 बैंक अकाउंट जिसमें 3,61,000 रुपए से ज्यादा जमा है, 15,75,000 रुपए का कर्ज है, PPF अकाउंट में 17,38,265 रुपए हैं, हाथ में कैश 52,000 रुपए, 59 किलो से ज्यादा चांदी से बनी चीजें हैं, कीमत 29,55,581 रुपए, 4 किलो से ज्यादा की ज्वेलरी है जिसमें 2.5 किलो सोना है और इसकी कीमत 1,15,79,000 रुपए, 48,957 वर्ग फीट एरिया का घर है, शिमला में है, इसकी कीमत 1,09,00,000 रुपए के करीब है, लेकिन आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से हलफनामे में बताया गया प्रियंका के पास 7,74,12,598 रुपए का घर और जमीनें हैं।